एक्सेलेरेटर पेडल पोजीशन सेंसर। एक्सेलेरेटर पेडल पोजीशन सेंसर जो है, ये मैंने आपको शुरू में बताया था, ये सेंसर, एक सेंसर में दो सेंसर हमने लगाए हैं, यानी कि जो एक्सेलेरेटर पैडल है उसके अंदर दो सेंसर लगेगा, दोनों सेंसर एक ही काम कर रहे हो। ये दो सेंसर लगाने का मकसद ये है, उदाहरण खासा एक सेंसर काम करना छोड़ देता है तो जो दूसरा सेंसर है कंप्यूटर उससे इनपुट ले। अगर एक ही सेंसर होगा वो ही काम करना छोड़ देगा तो गाड़ी के एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ड्राइवर के एक्सीडेंट के ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाता है। उस टाइम पे हो सकता है जब कंट्रोल खत्म हो रहा है कि ड्राइवर जो है वो माउंटेनियस एरिया में जा रहा है, पहाड़ी इलाके में जा रहा है, ओवरटेक कर रहा है किसी गाड़ी को और अचानक उसका कंट्रोल एक्सीलेटर का खत्म हो गया तो एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये एक पैडल में दो सेंसर लगे हुए हैं। वाटर सेपरेटर फिल्टर पहले डिटेल में डिस्कस हो गया। वाटर सेपरेटर फिल्टर का काम ये होता है, इसने डीजल के अंदर जितना भी मॉइस्चर है, पानी है, उसको अपने अंदर जजब कर लेना होता है। वो जजब करके कहाँ स्टोर करते हैं? वाटर सेपरेटर फिल्टर के नीचे एक बाउल बना होता है, वो बाउल जो है उस बाउल के अंदर वो पानी सारा जमा करता जाता है। जब वो बाउल का खास लेवल है, वो कितना उसकी कैपेसिटी का लेवल है, 200 ml, जब वो 200 ml तक उसमें पानी जजब हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है, तो फिर वो एक सेंसर नीचे दिया हुआ है, वो सेंसर डायरेक्ट जा रहा है कंप्यूटर में, तो यहाँ से वो पॉइंट आपसे मिल जाते हैं, वो पॉइंट से डायरेक्ट सिग्नल उसको चला जाता है, कंप्यूटर को अर्थ चला जाता है कि जैसे उस अर्थ जाते हैं उसको पता चल जाता है कि इसका बाउल फुल हो गया। वो क्या करता है कंप्यूटर, वो WEF की लाइट भी ऑन कर देता है और साथ चेक इंजन की लाइट भी ऑन कर देता है और गाड़ी के जो RPM है वो कम कर देता है, 1700 RPM पे ले आता है। फिर आपने क्या करना होता है, आपने इसको ये ड्रेन करना होता है, अगर ड्रेन करने से बात नहीं बन रही तो फिर आपने इसको चेंज करके चेक करना होता है। अगर दो तरीके होते हैं इसको, ये जो सिलेंडर चेक कर रहा होता है और साथ जो टाइमिंग है, टाइमिंग दो तरीके से चेक कर रहा होता है, क्रैंकशाफ्ट से और कैमशाफ्ट से। अगर आप क्रैंक का ग्रिप उतार दें तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी लेकिन सिर्फ लंबा लेगी, वो जो क्रैंक का सिग्नल है वो केम शाफ्ट से वो लेना शुरू कर देता है कंप्यूटर, लेकिन वो क्योंकि केम से सिर्फ पहले वो केम का सिग्नल लेता है, फिर वो कैलकुलेट करता है कि केम अगर यहाँ पे है तो क्रैंक कहाँ होगी, फिर वो उस वैल्यू को कैलकुलेट करके तो फिर वो गाड़ी को स्टार्ट करता है। इसमें क्या नुकसान होता है कि एक तो गाड़ी की स्टार्टिंग लंबी हो जाती है और RPM उसके कम हो जाते हैं। EFI के लिए भी फायदा है, तो गाड़ी को बंद नहीं होने देता लेकिन वो क्या करता है कि RPM उसके डाउन कर देता है और साथ जो है वो लाइट उसकी चेक इंजन की लाइट ऑन कर देता है। कैमशाफ्ट के ग्रिप उतर जाए तब भी इसी तरह ही होता है, वो कंप्यूटर पहले क्रैंक से सिग्नल लेता है, वो देखता है क्रैंक की पोजीशन ये है तो केम कहाँ हो सकती है, तो इस हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेता है। अगर ये दोनों आप ग्रिप उतार दें तो फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि उसको दोनों रेफरेंस जो सिग्नल है वो नहीं जा रहे हो, तो फिर वो कैलकुलेट नहीं कर पाता कि मैं फ्यूल को किस सिलेंडर में किस टाइम पे इंजेक्ट करूं। इसमें हमने मुख्तलिफ तरह की ना फेलियर स्ट्रेटजीज बनाई हुई है, तो फॉल्ट आ जाता है तो फौरन सिस्टम बंद नहीं हो जाता, उसके मुख्तलिफ हमने फॉल्ट को उसके हिसाब से कैटेगराइज किया हुआ है। पहला जो है लेवल वो है डिफॉल्ट वैल्यू का, यानी कि अगर कोई सेंसर काम करना छोड़ देता है तो ECU के अंदर पहले जो वैल्यू उसकी स्टोर हुई होती है वो उस पर चला जाता है, वहाँ से वो इनपुट लेना शुरू कर देता है, इसको कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। दूसरे नंबर पर आ जाता है टॉर्क डिक्रीज, यानी कि अगर जो है वो ऐसा कोई फॉल्ट मसल मसाल और ओवर हीट होना शुरू हो गई गाड़ी, जब गाड़ी जैसी ओवर हीट होना शुरू होती है तो फिर आपने सिस्टम ने उसको बचाना होता है ओवर हीटिंग से, वो बचाने के लिए क्या करता है ओवर हीटिंग से गाड़ी को बचाने के लिए वो उसकी इंजन की पावर को कम कर देता है। अब जो इंजन है कि आपके पहले 2100 थे वो 1700 पे आ जाते हैं, 1700 पे आ जाते हैं ना, जब 1700 पे आएंगे तो RPM डाउन होगी, पावर डाउन होगी तो गाड़ी की वैसे ही कूलिंग शुरू हो जाती है।
जैसे ही गाड़ी जो है वो ओवरहीट होना शुरू होती है या कोई ऐसा क्रिटिकल फॉल्ट आता है तो वो उसके आरपीएम को डाउन कर देता है 1700 पे ले आता है। या आपका जो है वो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में कोई मसला है, फ्यूल की सप्लाई पूरी नहीं आ रही, तब भी वो इंजन को पावर डाउन कर देगा ताकि इंजन को नुकसान ना हो। ये इसका दूसरा तरीका कार है। लिंप होम इसका तीसरा तरीका कार है। लिंप होम का मतलब ये होता है कि आप गाड़ी को बंद होने से बचा के उसके इंजन की पावर कम कर देते हैं, साथ ही इंजन की लाइट ऑन कर देते हैं, तो आप किसी भी करीबी सर्विस स्टेशन पे आसानी से जा सकते हैं। गाड़ी रस्ते में ब्रेक डाउन हो गई है तो आपने जो चीज़ चेक करने वाली होती है या ड्राइवर से जो पूछना होता है, आपने उससे पूछना होता है कि इसका ऑयल का लेवल चेक कर ले, वाटर का लेवल चेक कर ले, ऑयल प्रेशर चेक कर ले, एयर प्रेशर, ऑयल प्रेशर, वाटर लेवल और टेम्परेचर। ये सब चीज़ें अगर ठीक है तो आप गाड़ी चला के उसको अपनी जो करीबी कोई भी आपका सर्विस स्टेशन है वहाँ पर आप उसको लेके जा सकते हैं, गाड़ी को रिपेयर करवा सकते हैं। ये चौथा लेवल है स्टॉप फॉर प्रोटेक्शन। चौथे लेवल में जाके अगर कोई इस तरह का ऐसा फॉल्ट आ जाए उस कंडीशन में वो गाड़ी को रोक देता है। वो कौन कौन से फॉल्ट है मैंने आपको बताया, मॉनिटर नहीं हो रहा उसे, मॉनिटर फॉल्ट, उसको मुख्तलिफ सेंसर से इनपुट आनी बंद हो गई, 3-4 इकट्ठी, वो गाड़ी को रोक देगा। एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन एरर है, एडी एरर है, ये एक इसके अंदर आता है। ईसीयू की टाइमिंग का नहीं इसको पता चल रहा, इग्निशन स्विच का सिग्नल उसको जाना बंद हो गया है, रेल प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या ईसीयू के अंदर जो है वो कोई फॉल्ट आ गया है, फ्यूल प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, 1600 bar को टच कर गए। इस कंडीशन में क्या होता है जब गाड़ी वो बंद हो जाती है, ईसीयू जो है वो फ्लैश, उसकी लाइट जो है ना चेक इंजन की लाइट फ्लैश करना शुरू कर देती है, फ्लैशिंग करेगी, परमानेंट फ्लैश करना शुरू कर देगी, साथ फॉल्ट कोड भी आएंगे, इंजन रुक जाएगा, दोबारा इंजन स्टार्ट नहीं होगा जब तक आप उस फॉल्ट के लिए निकलते। इंजेक्टर की वायरिंग भी आपस में मिल जाए तो इंजेक्टरों की वायरिंग आपस में शॉर्ट हो जाए तब भी ये इस तरह करेगी गाड़ी बंद हो जाएगी। थर्मल प्रोटेक्शन का मैंने आपको पहले बता दिया है, गाड़ी ओवरहीट हो रही है तो उस टाइम पे वो उसके इंजन की आरपीएम को भी कम कर देता है और साथ चेक इंजन की लाइट देता है और वार्निंग बजर साथ देता है। मैनुअल जो कोड है इसको चेक करने का क्या तरीका का, उसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आपके पास चेक इंजन की लाइट का बटन दिया हुआ डैशबोर्ड के ऊपर, वो डैशबोर्ड के बटन को आपने 1 second के लिए प्रेस करके रखना होता है और फिर छोड़ देना होगा। जैसे ही आप उसको प्रेस करके छोड़ते हैं तो वो आपको कोड बताता है, ब्लिंकिंग कोड बताता है, लाइट को ऑन ऑफ करवा के, लाइट को ऑन ऑफ करवा के। तो जो ब्लिंकिंग कोड है वो इस तरह आ रहे होते हैं, 1-2 2 दफा ब्लिंक की, उसके बाद वक्फा आया, फिर 1-2 3 3 दफा ब्लिंक की, फिर वक्फा आया 1-2, इसका मतलब है 232 नंबर कोड। फिर आप लाइट को दबा के छोड़ते हैं, फिर वो ब्लिंक करती है, एक नया कोड बताती है, फिर वो आप फिर लाइट दबा के छोड़ेंगे, फिर एक नया कोड बताएगी, जितने कोड उसकी हिस्ट्री में पड़े हुए होंगे सारे बताएगी, फिर एक दफा आप दबा के छोड़ेंगे तो फिर जो पहला कोड आया था वो दोबारा रिपीट में आ जाएगा। जब वो रिपीट में आ जाएगा इसका मतलब है कि आप जितने भी कोड आप बता रहे थे वो सारे क्लियर नहीं हो गए, उसने सारे कोड जितने भी बता दिए, उसने आपको सारे कोड बता दिए। करने का भी तरीका कार होता है मैनुअल तरीके से। अगर आप